हम दुनिया की अकवाम आलम को कहते हैं कि अगर दुनिया का अमन कायम रखना चाहते हो तो उसका एक ही तरीका है कि हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत करना सीखो। और हम उस मोदी सरकार को कहते हैं, उस मोदी के यारों को कहते हैं कि फिल फोर वो जो तुम्हारी तर्जुमान है उससे ऐलान बरात करो और उसको सजा दो, इसलिए कि अगर कोई गाजी इल्मुद्दीन का मतवाला खड़ा हो गया तो फिर बात सिर्फ उस गुस्ताख तक नहीं रहेगी, बात उस तक भी पहुंचेगी जो उसके साथ खड़ा होगा। ये याद रखना, बाबा जी हमें सबक देकर गए हैं कि हमने गाजी इल्मुद्दीन को दफनाया है, उस खंजर को बाहर रखा हुआ है, जिस खंजर को लेकर गाजी आमिर अब्दुर्रहमान जर्मनी पहुंचा, वो खंजर भी बाहर है, गाजी अब्दुर्रहमान चीमा को दफनाया है। उस खंजर की निस्बत से मुमताज़ कादरी कोहसार मार्केट में 27 गोलियां लेकर पहुंचा था, वो बंदूक भी बाहर पड़ी है। और ये याद रखना कि अगर गौरी शाहीन हतफ हमने अपने हुजूर की इज्जत के लिए इस्तेमाल ना किए तो हमारा कोई फायदा नहीं, हमने ये सारा कुछ लिखा ही अपने आका और मौला की इज्जत के लिए हुआ है। अगरचे हमारे कुछ जिम्मेदारान, अगरचे हमारे ऊपर बैठे हुए कुछ नाहल और ना हंजार, उनको मालूम नहीं है कि ये सब कुछ है ही हुजूर के लिए, हमने जाने भी हुजूर के लिए रखी हुई हैं, ये वतन भी हुजूर के लिए रखा हुआ है, हमारा सब कुछ हुजूर के लिए है। हम उनको कहते हैं कि तुझे कुत्ते से कुतिया से भी नस्बत देना, तशबी देना, हम कुतिया की तोहीन समझते हैं, क्योंकि कुत्ता कुत्ता ज़रूर है लेकिन गुस्ताख रसूल नहीं है। वो अगर तुम्हें पता नहीं है कि बाबा जी अपने कारकुनों को सबक देकर गए हैं कि मन सब्बा नबीयन फक्तुलुहु, तो ये हमारे लिए बॉर्डर कोई हैसियत नहीं रखते। अगर हम अपने आका और मौला की इज्जत का बदला लेने आ गए तो फिर वो सफ़ेद झंडा जिसे फतह की अलामत समझा जाता था, सैकड़ों कंटेनरों की मौजूदगी में और शैलों की बुछाड़ में एक झंडा बुलंद होता था जिसके ऊपर लिखा होता था ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद, या झंडे के ऊपर लिखा हुआ था मन सब्बा नबीयन, और या झंडे के ऊपर लिखा हुआ था लब्बैक या रसूलल्लाह। अगर हुजूर के दीवाने निकल आए, हुजूर के गुलाम निकल आए, तो याद रखना तुम्हारा घर हमसे दूर नहीं है पड़ता। अभी हमारे जहनों में कश्मीर का बदला बाकी है, अभी हमारे जहनों में बाबरी मस्जिद का बदला बाकी है। मैं आपको एक पैगाम जरूर दे देता हूँ, ये ना समझना कि बुरहान वानी दुनिया से चला गया, ये ना समझना कि जनाब मुमताज कादरी दुनिया से चला गया, ये ना समझना कि गाजी इल्मुद्दीन को दफन हुए सदियाँ गुजर गई, ये ना समझना कि अल्लामा खादिम हुसैन दुनिया से पर्दा कर गए। अभी हमारी माओ ने हमें दूध या रसूलल्लाह की लोरी से पिलाया हुआ है। अभी किसी गलत फहमी में ना रहना, जिस दिन ये मैदान में आ गए तो फिर तुम्हें बताएंगे कि ये फाका कश जो मौत से डरता नहीं जरा, तुम्हें बताएंगे कि हुजूर सईद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती अभी जिंदा है, अभी हुजूर की नामोस पर पैरा देना जानते हैं। और हम अपने इन हिजड़ों को भी कहते हैं, कब तक बेगैरती की जिंदगी जियोगे, कब तक बेगैरत बन के रहोगे, कब तक बेहया और बेशरम बन के रहोगे। और यार अगर इज्जत पर हाथ डल जाए तो सबसे पहले काम इज्जत बचाने का किया जाता है, इज्जत को बहाल करने का किया जाता है। रोटी तो बेगैरत बंदा भी खा लेता है, और गैरत बड़ी चीज है जहाने तगो दो में, पहनाती है दुर्वेश को ताज सरेदारा। गैरत है ना, जो गैरत, इसके साथ जीना, ये दुनिया में अकवाम आलम को बताते हैं कि ये कौमें जिंदा हैं, तुम हमारे ऊपर मुसल्लत हो गए हो, हमारी क्या तर्जुमानी कर रहे हो, भूख को पीट रहे हो, भूख तुम्हारे बस में नहीं है ख़त्म होना, ये मेरे अल्लाह ताला की तरफ से तुम्हारे ऊपर मुसल्लत है। इसलिए कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया था, वो कौम कभी इज्जत नहीं पा सकती जो जिहाद को छोड़ देगी, जो जिहाद को छोड़ देगी वो कौम कभी इज्जत नहीं पा सकती। तुम कयामत तक IMF नहीं, स्विस बैंक नहीं, तमाम दुनिया के दरवाजों के ऊपर कशकोल उठाकर फड़ो
फिरो और तुम्हारे कशकोल कोई डॉलरों से भर दे, कोई चाइनीज करेंसी से भर दे, कोई पौंडों से भर दे, कोई रियालों से भर दे, कोई यूरों से भर दे, तुम कभी खुशहाल नहीं हो सकते। तुम्हारे लिए खुशहाल होने का रास्ता एक ही है, जो हजरत साद बिन रबी ने बताया था कि अगर तुम में से कोई एक भी जिंदा हुआ और हुजूर की इज्जत तक कोई बंदा पहुंच गया तो उसके जिंदा रहने के अल्लाह को, अल्लाह ताला उसके उजर को कबूल नहीं करेगा। आज भी इज्जत चाहते हो, आज भी अजमत चाहते हो, आज भी खुशहाली चाहते हो तो आओ हुजूर के दीन की तरफ, आओ हुजूर के दीन के साथ, हुजूर की नामूस रिसालत पर पहरा दे दो, हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत की बात करो। और वराफाना लका जिक्र का मालिक ने जिक्र जिम्मा लिया है, और जो इस आयत के साथ लग जाए अल्लाह ताला उसको भी बुलंद कर देता है।